फ्यूल इंजेक्टर है सर। नो पॉपुलैरिटी प्रेफर्ड। क्या भैया ये सर? हाँ जी। ये क्या चीज़ है? ये भैया रिड्यूसर होता किट। अच्छा, रिड्यूसर किट। क्या क्या आता है इसके अंदर? और दिखा दो भैया पूरा क्या क्या आता है इसके किट के अंदर पूरा। ये भैया इंजेक्टर रेल होती है जिसमें से गैस जाती है। अच्छा, इंजन के अंदर। इंजन के अंदर गैस जाती है, ठीक है। और एक इसी हम वायरिंग रहते हैं। ये मीटर है जैसे, ये फीलिंग वाल है जिसमें से गैस भरी जाएगी। अच्छा, ये फीलिंग वाल होगा, ये फीलिंग वाल हो गया। और ये इसमें पाइप, पाइप सब पाइप हो गई इसकी। ये भी पाइप है, ये भी पाइप। ये ECM बॉक्स सेट वाइट। अच्छा, ECM बॉक्स। एसी से जो है मतलब लैपटॉप लगा के जो सेटिंग बनती है सारी। ये स्विच है। ओके। एक दो तीन चार पाँच छः सात आइटम आते हैं एक किट के अंदर। अब जो भी आते हैं यही आते हैं। अच्छा, ये इसका खुल गया है, एयर फिल्टर खुल गया है इसका। एयर फिल्टर लगेगा तब उसके बाद सेटिंग बनेगी इसकी। ड्राइवर इतना पूरा स्पेस है, आप देखो सिलेंडर कैसे सेट करते हैं इसमें आराम से, बढ़िया तरीके से। ये है ड्राइवर की बैक सीट जो कि CNG के बाद फिट करनी है हमें, और कैसे करनी है उसके बारे में मैं कुछ बताने वाला हूँ आज। और मुझे भी बड़ा दिक्कत हो रही थी कि भाई CNG लगने के बाद मेरे ड्राइवर में अब मैं इसको फिक्स कैसे करूँ। तो मैंने सीट जो है बाहर निकाल ली है। अब सीट जो बाहर निकाल ली है, अब इसका मैं पूरा फिक्स करके बताऊंगा कि कैसे जो है ये लगने वाली है और कैसे इस पर वर्क होगा, और ये एज इट इज़ फिक्स होगी और कैसे होगी मैं बताता हूँ आपको। और ये है लास्ट वाली रो की सीट है ये, और ये जो है इसका, ये जो इसके आप देख रहे हैं ना ये हुक्स, ये जो है 2.5 इंची जो है इधर की तरफ बैंड होने वाले हैं। ये वेल्डर के पास जाके आपको वेंड कराने, और कैसे कराने वेंड मैं बताता हूँ कैसे होता है ये वेंड। और ये मुझे भी पता था, वो मैं खोल खाल के देखा था, मेरे को पता लगा। तो ये जो है ये सीट के कवर है, ये जो कि ऐसे खुलते हैं, ऐसे खुल जाते हैं कवर। और ये थोड़ा मशक्कत करना पड़ता है, यहाँ पे लॉक होता है सीट का कवर, तो यहाँ पे थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है और ये खुल जाता है। ये ऐसे इसको उठाओगे और ऐसे करके जो है खुल जाएगा, और ये पूरा यहाँ तक खुल गया। अब ये खुलने के बाद अब क्या करना है देखो, ये खुलने के बाद ये करना है कि ये पूरी सीट जो है, ये देखिए ये पूरी सीट ऐसे कवर हो रखी होती है, कवर से ये आपको पूरी खोल लेनी। थोड़ी सी मेहनत वाला काम है लेकिन हो जाएगा। ये पूरा सीट आपको जो है खोल कर जो है वही अच्छे तरीके से जो फिक्स कराऊंगा होता है। ये हो गया, खुल गया, ये हो गई पूरी सीट खुल गई। ये कवर यहाँ से मतलब ये रिमूव हो गया, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है। अब करना क्या है देखो, ये बताता हूँ। ये पूरी सीट मैं ऐसे करके जो है कर दूँगा इसको बाहर,
पूरी बाहर करूँगा इसको, शायद इधर से शायद चुपकी है। तो मुझे जो है करना क्या है, मुझे जो है बेसिकली जो मुझे है ना फ्रेम बाहर निकालना है, ये फ्रेम जो है बाहर निकालना है मुझे, जो मेन जो वर्क होगा ना वो इसी फ्रेम पर होगा, यही फ्रेम में है, इसी फ्रेम से काम है। ये फ्रेम जो है मैं ऐसे करके जो है निकाल दूँगा, ये कवर जो है पूरा यहाँ से फिट होता है, यहाँ से मुझे इस पर चढ़ा हुआ होता है जी। ये हो गए, थोड़ा मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। ये यहाँ पे जो है ना यहाँ पे लॉक्स होते हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे खोलने हैं, लॉक्स खोलते ही बाहर आएगा, ये अभी पूरी बाहर। अब ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये आगे पूरी फीट बाहर। ये है इसका बेस, ये जो बेस है ना सारा काम जो है इस बेस पे होना है। अब ये बेस अभी तो ये बिल्कुल सीधा ऐसे करके लगा हुआ, अब जब ये बैंड होगा ना 2.5 इंची बैंड होने के बाद ये हो जाएगा पीछे, तो पीछे हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली सीट आगे हो जाएगी और इसके जो ये जो नोब्स हैं ये फंस जाएंगे और सीट हल्की सी आगे रहेगी और एज इट इज़ पीछे लॉक होगी, जो जहाँ पे लॉक होती है ये वहाँ पर ये लॉक हो जाएगी पूरी। और लॉक होने के बाद ये सीट जैसे कंपनी फिटेड रहती थी वैसे ही हो जाएगी, बस यहाँ पे आपकी कोई फिटिंग नहीं होगी, यहाँ पे आपको बस सीट लगानी है और उठानी है। और पीछे की साइड में जो है जो आपका जो लॉक वाली होती है वहाँ पर जो है क्लैंप लग के बढ़ जाएगी आगे, तो वो भी मैं आगे दिखाता हूँ पूरा। पूरा खोल दिया है, बैटरी के तार बाहर निकाल,
हम दीपक के संग तो चल दिया टाइम मैंने कहा समझी दीपक का नाम लूंगा ना तो तुम सारा चलने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरे से कह रहे हैं वो दीपक कह रहा चल वहाँ से मैं चलने गाड़ी से। मैंने कह दिया भैया कह रहे मेरे बुखार आ रखा मैं नहीं जाऊँगा कहीं। कर दीपक जा रहा है कार से। मैंने कहा हाँ बोल देना मुझे। फिर खुद ये मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चले गए। आए कितने बजे 4-5 बजे। बोला था क्या आपसे है ड्राइवर की जो है सीट एडजस्टमेंट हो चुकी हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से हुई हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मैंने सोचा था कि जो है विदाउट वेल्डिंग फिटिंग के जो है ये एज इट इज़ सीट सेट हो जाएगी, तो भाई ये तो एक भरम है जो कि आप विदाउट देखे तो कर सकते हो लेकिन अदरवाइज जब आप करने बैठोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये वैसा नहीं होगा। तो फिर मेरे को जो है एक्सटर्नल वेल्डिंग करवा करके जो है ये काम करवाना पड़ा है और सीटिंग काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई है मेरी। और ये देखिए मैंने बीच में जो है ना ये सीट आगे ना भागे इसलिए जो है मैंने एक टी का जुगाड़ करवा दिया ऐसे करके सिलेंडर के ऊपर, तो जिससे कि ना ये बीच में से भी ना अब सीट ना खुलने का डर नहीं रहता है। ऐसा लगता पहले ऐसा लग रहा था जैसे सीट खुल जाएगी। और यहाँ पे देखो साइड में ये रहा ब्रैकेट का एक्सटेंडर जो मैंने लगवाए हैं ये दोनों तरफ लगवाए हैं और सीट जो है कंफर्टेबली पीछे है आराम से। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे तरीके से जो है मैंने करी है सेटिंग। अब ये देखो ये खुल गया है। अब इसमें जो है क्या है ना मैंने एक वार्सल वेल्ड करवाया है, ये यू बनवा करके वार्सल वेल्ड करवा दिया है जिससे कि ये जो टी है ना ये टी में उधर से लगा देता हूँ जिससे बीच में से सीट हो जाती है बिल्कुल लॉक एक अपनी जगह पे, तो जो है ना बिल्कुल खुलने का डर नहीं लगता रहता और सीट एज इट इज़ कंपनी से फिटेड रहती है। और अभी मैं एक्सटेंडर खोल के दिखाता हूँ कि मैंने नीचे सीट के क्या करवाया है। ये अब देख लो ये एक्सटेंडर जो है मैंने ये बनवा करके लगवाया है ब्रैकेट अलग से ये दोनों तरफ। अब ये जो है थोड़ा ऐसा डाउन रहता है और ऐसे सीट कनेक्ट हो जाती है और बिल्कुल पीछे रो एकदम ज़बरदस्त तरीके से आ जाती है। और अभी मैं दिखाता हूँ बीच वाली रो आगे करके दिखाता हूँ कि सीटिंग पोजीशन क्या है और क्या चीज़ न्यू इसमें मैंने करवाई है। आए ना अब वो लॉक जो है यहीं से खुल जाते हैं जैसे सीट पहले खुलती थी ना वैसे ही खुलती है बिल्कुल एज इट इज़ जैसे पहले खुल रही थी। अब मैं पहले इसको ना साइड कर देता हूँ ना वैसे के वैसे ही जैसे पहले फीता था ना पकड़ के आपको खींच के जो ये सीट ऊपर करने के लिए वैसे ही मैंने यहाँ पे करा है। ये जो है ना ये यहाँ पे देखो यहाँ पे ये फीता है इसको मैं खींच देता हूँ तो ये सीट जो है खुल जाएगी जैसे पहले खुलती, लेकिन पहले की तरह जैसे ये पूरी ऊपर खड़ी नहीं होगी क्योंकि इसके जो पीछे वाला जो जिसका आगे जो रोकते हैं ना उसको वो मैंने उल्टी साइड वेल्ड करवाया है। ये इसी टाइप से देखो ये भी खुल जाएगी आराम से हाथ डाल करके जो है इजली सीट खुल जाएगी और सीट को आप जो है ना अपनी जगह से निकाल सकते हो। मैं निकाल के दिखा देता हूँ सीट कैसे निकलेगी आराम से बड़े ही ईजी टाइप से निकल जाती है सीट भी। सीट निकल गई है बाहर। मैंने क्या करा ना ये जो पहले जो आगे थे ना ये दूसरी तरफ की साइड्स थे लगे हुए जिनको मैंने पीछे की तरफ को जो है वेल्ड करा दिया उल्टा, जिससे क्या हुआ कि मेरा जो है ना बेस वहीं का वहीं है यहीं पर फंसती है सीट अपनी। बस ये जो है ना ये थोड़ा आगे आ गई सीट पहले इतने यहाँ तक रहती थी थोड़ी सी आगे आ गई है तो थोड़ा सा ये वाली सीट को मैंने थोड़ा आगे एडजस्ट कर दिया है पीछे वाली को, तो जो है अब ये अच्छी तरीके से यहीं पे लॉक हो जाती है और सीट अच्छे तरीके से लॉक हो रही है और अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। और अभी जो है ना मैं पूरे 8 बंदे इसमें बिठा करके चला कर देखूँगा तब कैसी लग रही और कम्फर्टेबली सब बैठ पा रहे नहीं बैठ पा रहे हैं बाकी यही है। और ये देखो ये पहले यहाँ पर लॉक होती थी सीट जो कि मैंने अब यहाँ पर जो है ना वेल्डिंग करवा करके ना हिमेट हटा करके वेल्डिंग करवा के कि मैंने एक ये लॉक यहाँ पे लगवा दिया यहाँ पर अब सीट लॉक होती है तो सीट लॉक हो जाती है भागने का आगे भागने ब्रेक लगने पे जो है सीट आगे भागने का कोई डर नहीं है यहाँ से भी लॉक होती है और यहाँ से भी लॉक होती है और बीच से भी लॉक हो जाती है और बढ़िया तरीके से जो है सेटिंग पोजिशन बन गई है। मैं दोबारा सेट कर देता हूँ के लिए ना इसमें दोबारा से इसके लिए बस मुझे पीछे का ये लॉक खोलना पड़ता है क्योंकि ये नहीं खोलूँगा ये आगे पीछे भागता है तभी ये लॉक हो पाता है। आ गई दोबारा से ठीक है। अब मैं इसको नट ये रन नट इसका वार्सल लगा के जो इसको टाइट कर दूंगा ये सीट हो जाएगी यहाँ पे लॉक आराम से। ये सीट मैंने जो है दोबारा से कस दी अब देखो कहीं से भी जो है बिल्कुल भी लूज नहीं है सीट परफेक्ट फिट है और हेरिटेज कंपनी की फिटिंग के साथ जो है बैठ गई है सीट और लूज़ नहीं है बिल्कुल भी और आराम से ईजिली जो है बैठ सकते हैं और पोजीशन भी अच्छी है और ज़्यादा सीट खड़ी भी नहीं हुई है अपना स्लोप है वैसा का वैसा ही है तो अच्छे से बैठ सकते हैं। और ये इसके साथ
जो है मैं बात करूँ तो अपने पीछे रो भी ठीक है और अपना काफ़ी जो है जगह बन जाती है। ये इतनी आपको जो है लेग स्पेस जो है इसके अंदर मिल जाएगा, काफ़ी इतना लेग स्पेस। और ये भी जो है बड़ी वाली सीट के साथ भी जो है लेग स्पेस अच्छा खासा बन जाता है। ये होगी परफेक्ट फिटिंग और इतना काफ़ी लेग स्पेस जो है आगे की तरफ भी है और पीछे भी है, अच्छा खासा लेग स्पेस मिल रहा है। थोड़ी थोड़ी जो है सीटिंग आगे हुई है और ऐसे कोई जो है मेजर इशू नहीं आने वाला है और गाड़ी जो है अब परफेक्ट फिट हो चुकी है। और मैं इसको जो है पूरे बंदे बैठा करके भी टेस्ट करूँगा, कोई दिक्कत तो नहीं है या कुछ भी है, तो फिर मैं उसके बाद जो है बता दूँगा। और बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ड्राइवर की और वीडियोस देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ड्राइवर की और वीडियोस ला सकूँ।